आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12 ML अग्रवाल मैथ्स क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 में हमारा एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एबी इक्वल टू एसी 12 सेंटीमीटर एंड बीसी 8 सेंटीमीटर। फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑन बीसी, ऑल्टीट्यूड जो है उसे निकालना है, एंड हेंस कैलकुलेट इट्स एरिया। तो पहले ऑल्टीट्यूड एडी को निकालने के लिए क्या करेंगे साहब, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है। इस ए बी डी के अंदर ए बी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर और ऑल्टीट्यूड का या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, ठीक है। बी डी के लिए क्या है कि बी सी जो है वो बी डी प्लस डी सी करके जो है वो बनी हुई है, ठीक है। नहीं है, अब यहां पर क्या है कि बी सी जो है वो हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है और बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो उस पर परपेंडिकुलर है, जो इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहां पे बी डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, है ना। अगर ये इक्वल है तो ये हो जाएगा 2 बी डी और ये रह जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 2 वन जा 2, 2 4 जा 8, तो बी डी क्या निकल कर आएगी, 4। तो ये हमारी 4 हो गई, ठीक है ना, और ये भी हमारी 4 रह गई, ठीक है ना। अब हमें ये 4 चाहिए बी डी का स्क्वायर, तो यहाँ 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ए डी का स्क्वायर है, ऑल्टीट्यूड जो हमें निकालना है 144 माइनस 16, 4 का स्क्वायर ट्रांसपोज हो जाएगा, ये ए डी का स्क्वायर बचेगा। यहां बचेगा 128, रूट लग जाएगा तो ये ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। 128 का जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे तो यहां बचेगा 64, है ना। अब 64 का मतलब क्या हुआ कि 64 तो 8, 8 का 64 हो जाएगा, इसकी तो पेयर बन गई, यानी कि 8 × 8 × 2 ये आ जाएगा ए डी का स्क्वायर, है ना। जिसमें 8 की पेयर बन गई तो 8 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, तो ए डी की क्या लेंथ आ जाएगी, 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर। अब ये हाइट 8√2 हो गई और बेस हमारी 8 दी हुई थी, 4 ये और 4 ये, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 × बेस × हाइट। तो 1/2 × बेस हमारी थी 8 और ये हो गई 8√2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 इक्वल टू 8 × 4 = 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एरिया भी निकल आया और ये जो है वो 8√2 सेंटीमीटर जो है वो इसकी ऑल्टीट्यूड की लेंथ भी निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर 12। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।